हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो डे। आज मैं आपको पैराग्लाइडर, पैराशूट और हैंड ग्लाइडर के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। ज़्यादातर लोग पैराशूट और पैराग्लाइडर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हैंड ग्लाइडर थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा पता लग जाता है लोगों को कि क्या चीज़ है, बट पैराग्लाइडर और पैराशूट में बहुत बार लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कभी कभी एक जैसे ही दिखते हैं। तो इसके बारे में अभी मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहले लुक्स की बात करते हैं। पैराशूट जब हम सोचते हैं तो अपने को सिर्फ गोल वाले ध्यान में आता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पैराशूट जो है वो रेक्टेंगल में भी आता है और राउंड में भी आता है, बट दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिमिलर ही होते हैं। और जो पैराग्लाइडर है वो जो रेक्टेंगल पैराशूट होता है उसके जैसे ही दिखता है, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंट लगेंगे दोनों। लेकिन अगर आप अलग अलग कोई लेमैन देखता है तो उसको पैराशूट और पैराग्लाइडर में फ़र्क नहीं पता लगता है। पैराशूट में जो रेक्टेंगल पैराशूट होता है उनके सेल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आप सबसे पहले आप जो दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा जो सेल्स आगे के जो होल्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और पैराग्लाइडर के जो होते हैं वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, इनके शेप भी एक्चुअल में काफ़ी डिफरेंट होते हैं। पैराशूट है उसका रेक्टेंगल शेप होता है, पैराग्लाइडर का शेप थोड़ा सा डी शेप का होता है। सामने से तो एक जैसे दिखते हैं पर थोड़ा सा डी शेप का होता है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है पैराशूट, पैराग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर का। अब जो पैराशूट है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि डिसेंड करना, ऊपर से कहीं से भी कोई पेलोड या आदमी को नीचे लेके आना, सेफली नीचे लेके आना, अच्छी तरीके से लाना, और वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। जब हम ग्लाइडर की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं ग्लाइडर, पैराग्लाइडर या हैंग ग्लाइडर, तो ग्लाइडर का मतलब ग्लाइड, तो मतलब वो बेसिकली ग्लाइड करने के लिए बना हुआ है। वो ये नहीं बना हुआ कि ऊपर से सिर्फ नीचे ही आए, वो नीचे से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है, चाहे उसमें इंजन हो या नहीं हो, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ है। तो पैराग्लाइडर बेसिकली हिल से या किसी भी लोकेशन से ऊपर जा सकता है और ऊपर से नीचे आ सकता है, लेकिन ऊपर हवा में रह भी सकता है बहुत देर तक, जैसे आप चाहते हो उसको रखना नेचर को यूटिलाइज करके। पैराशूट का सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि ऊपर से नीचे आना। अगर हम रेक्टेंगल पैराशूट, पैराग्लाइडर एंड हैंग ग्लाइडर को लेते हैं तो तीनों फॉरवर्ड मूविंग होते हैं, बिना आगे मूव किए ये हवा में नहीं रह सकते। अगर ये फॉरवर्ड मूव नहीं करें तो ये स्टॉल हो जाएंगे और स्टॉल होकर नीचे गिर जाएंगे। तो बेसिकली ये एयर में रहने के लिए इनको आगे मूव करना ही होता है। तो रेक्टेंगल पैराशूट, पैराग्लाइडर एंड हैंग ग्लाइडर तीनों को फॉरवर्ड मूव करना होता है एयर में रहने के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब इनमें क्या होता है कि तीनों की स्पीड्स अलग अलग होती हैं, और तीनों के, जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं। पैराशूटिंग कोई ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं होता। पैराशूट नॉर्मली, रेक्टेंगल पैराशूट नॉर्मली स्काई डाइविंग में यूज़ होता है कि जो स्काई डाइविंग करके जब उनका स्काई डाइव कंप्लीट हो जाता है तो वो पैराशूट से नीचे आते हैं। पैराग्लाइडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हवा में ज़्यादा देर रहना। पैराशूटिंग में जो स्काई डाइविंग करके आते हैं तो उनको ये होता है कि फटाफट वो नीचे आएँ और नेक्स्ट प्लेन में ऊपर जाएँ और फिर अगेन से स्काई डाइव करें। तो पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग में यही ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको हवा में कितनी देर रहना है, मैक्सिमम रहना है, ये ऑब्जेक्टिव उनका सबका ये होता है। अच्छा, अब इसका मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। जैसे पैराशूट या पैराग्लाइडर या हैंग ग्लाइडर जब मूव कर रहा होता है हवा के अंदर, हवा में रहने के लिए, उसको वो किस स्पीड पर चलता है। नॉर्मली जो पैराशूट है वो उसकी स्पीड, फॉरवर्ड स्पीड रफली, आप जो जिसको एयर स्पीड बोलते हैं, रफली आप 40-60 किलोमीटर्स पर आर होती है। पैराग्लाइडर की होती है अप्रॉक्सीमेटली 30-50 के आसपास, एंड हैंग ग्लाइडर नॉर्मली 50-60 ऑनवर्ड्स चलता है, और वो टिल 100-120 या उसके आसपास भी जा सकता है। जो ये स्पीड होती है इसके साथ एक ग्लाइड रेशियो भी आता है। अब ग्लाइड रेशो ये होता है कि आप कितना नीचे आते हो और कितना उस नीचे आने पे कितना आप आगे भी चले जाते हो, या इसको उल्टा भी देख सकते हैं, कितना आप आगे जाते हो और कितना आप नीचे आते हो। तो ग्लाइड रेशो में ये होता है कि एक पैराशूट का ग्लाइड रेशो रफली 3:1 आता है। दैट मीन्स कि 3 पार्ट्स वो आगे जाता है तो 1 पार्ट नीचे आता है, या इसको उल्टा भी देख सकते हैं कि 1 पार्ट नीचे आ रहा है तो 3 पार्ट्स वो आगे जा रहा है। और सिमिलरली एक पैराग्लाइडर का रफली 9:1 और उसके थोड़ा सा और ऊपर 12-13 के आसपास भी होता है कि 9 पार्ट्स आगे जाएगा और 1 पार्ट नीचे आएगा।
और हैंड ग्लाइडर में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ये अप टिल 16 चले जाता है, ये 9 से स्टार्ट होता है पैराग्लाइडर जैसे ही, लेकिन ये 16 तक चले जाता है और कुछ कुछ थोड़े ज़्यादा भी चले जाते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव हर कंपनी का जब पैराग्लाइडर या हैंग ग्लाइडर बनाने का ये होता है कि उसका ग्लाइड रेशो इम्प्रूव किया जाए। तो जो आपका ग्लाइड रेशो 9:1 है वो किसी तरीके से सेफ्टी रखते हुए वो उसको 10 कर दिया जाए, 11 कर दिया जाए, और कम से कम मेहनत में या उसको ऐसे एरोडायनामिक्स उसके बढ़िया किए जाएं ताकि उसका ग्लाइड रेशो बढ़ जाए। बोथ रेक्टेंगल पैराशूट एंड पैराग्लाइडर में आपके ब्रेक्स होते हैं जो दोनों साइड होते हैं, एक लेफ्ट एंड राइट का, जो आप जिसको आप पुल करते हो उसी साइड वो डायरेक्शन में मूव करता है। अब ये है कि अगर जब आप लैंड कर रहे होते हो तो आप दोनों ब्रेक्स आप एक साथ पुल करते हो और उससे बेसिकली जो पैराग्लाइडर या पैराशूट है वो स्टॉल हो जाता है। तो स्टॉल का ये मतलब है कि आप जो स्पीड आपकी जो जिस पे आप चल रहे थे वो स्पीड ब्रेक होके वो स्टॉल होके और वहीं गिर जाता है। तो उसका फंक्शन ये है कि जब आप ग्राउंड के पास आते हो तो अगर आपकी 40 की स्पीड है या 35 की स्पीड है या 25 की स्पीड है, जो भी स्पीड आपकी है, वो स्पीड ब्रेक हो जाती है और उसके बाद इमिजिएटली आप लैंड कर लेते हो। तो अगर आप हवा में दोनों ब्रेक्स आप पुल कर ले तो आप सीधा ग्लाइडर या पैराशूट आपका सीधा नीचे गिर जाएगा। तो ये स्टॉल किया जाता है दोनों ब्रेक्स को खींच के, एंड वो आपके 2 फीट या 3 फीट के आसपास किया जाता है, जिसको हम फ्लेयर बोलते हैं। तो फ्लेयर किया जाता है, फ्लेयर से वो आपका पैराग्लाइडर या पैराशूट स्टॉल हो जाता है, एंड इमिजिएटली जैसे स्टॉल होता है तो आप विदिन 1 या 2 फीट में होते हो तो आप फटाफट लैंड पे आपके पैर आ जाते हैं। और हैंग ग्लाइडर में थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें आपका एंगल ऑफ अटैक या जो भी आप सामने का नोज़ है वो थोड़ा सा अप करते हैं, जिससे कि उसकी स्पीड कम हो जाती है, एंड उसके बाद वो उसमें आप लैंड कर लेते हैं। कई लोग हैंग ग्लाइडर को हैंड ग्लाइडर भी बोलते हैं, जबकि एक्चुअली के क्योंकि वो शायद मे बी हाथ में ऐसे पकड़ा होता है तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये हैंड ग्लाइडर है, बट वो हैंग ग्लाइडर क्योंकि आदमी उसमें हैंग किया होता है, पीछे से अटका होता है, हैंग हो रहा होता है, तो उसको हैंग ग्लाइडर बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि कई लोग पूछते हैं कि पैराग्लाइडर बेटर है या हैंग ग्लाइडर बेटर है, विच वन इज़ बेटर, या कौन सा ईजी है सीखने में या कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उड़ाने में। अब इसका कोई ऐसे सेट जवाब नहीं है इसका। हैंग ग्लाइडर एंड पैराग्लाइडर दोनों ग्लाइडिंग स्पोर्ट्स हैं और बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, और दोनों के ऑब्जेक्टिव तो सेम है एक तरीके से, लेकिन इनको सीखने का तरीका और उड़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप ऐसे नहीं है कि अगर आपको पैराग्लाइडिंग आती है तो आप हैंग ग्लाइडिंग जल्दी से सीख जाओगे, आप हैंग ग्लाइडिंग आती है तो आप पैराग्लाइडर ग्लाइडिंग जल्दी से सीख जाओगे, दोनों टोटली डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं। पैराग्लाइडिंग कंपैरेटिवली हैंग ग्लाइडिंग से एक स्लोअर एरियल स्पोर्ट है, थोड़ा स्लो इसका जो ग्लाइड है वो थोड़ी स्लोअर है हैंग ग्लाइडिंग से। बेसिकली आप अगर आपकी जो स्पीड है 30, 40, 45 की स्पीड अगर आप चल रहे हो तो हैंग ग्लाइडिंग में तो ये 40, 50 से तो स्टार्ट होता है बेसिकली। तो एक्चुअल में ये देखा जाए ऐसे इस तरीके से देखा जाए कि जहाँ पैराग्लाइडिंग का रेंज ख़त्म होती है वहाँ हैंग ग्लाइडिंग की शुरू होती है। तो पैराग्लाइडिंग एक कंपैरिजन में हैंग ग्लाइडिंग से थोड़ा सा ईजियर टू लर्न स्पोर्ट है, और पैराग्लाइडिंग को आप आसानी से सीख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हैंग ग्लाइडिंग। हैंग ग्लाइडिंग में जो ग्राउंड ट्रेनिंग होती है उसमें आपको काफ़ी भागना पड़ता है, काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग है, एंड इनफैक्ट जब हिल से भी करते हैं तो थोड़ा फिजिकली डिमांडिंग होता है। तो और थोड़ा सा मतलब पैराग्लाइडिंग कंपैरिजन में ईजियर टू लर्न एंड ईजियर टू फ्लाई है। एक चीज़ और है कि पैराग्लाइडर एक्चुअल में बाद में आया हैंग ग्लाइडिंग से, मतलब ओरिजिनली जब फ्लाइंग स्पोर्ट्स या एरियल स्पोर्ट्स शुरू हुए थे तो सबसे पहले हैंग ग्लाइडिंग आया था, फिर पैराग्लाइडर आया। पैराग्लाइडर तो रफली मेरे ख्याल से 30 साल पुराना ही स्पोर्ट होगा पैराग्लाइडिंग, तो जो धीरे 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 इवॉल्व हुआ है, तो लास्ट 20 ईयर्स में काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट्स आए, तो अच्छा इवॉल्व हो गया और काफ़ी सेफ हो गया। अब सेफ्टी की बात आई है तो कंपैरिजन में कई लोग ये बोलते हैं कि हैंग ग्लाइडिंग सेफर है पैराग्लाइडिंग से। उसका रीज़न ये है कि जो हैंग ग्लाइडिंग है उसका एक फिक्स्ड विंग है, मतलब पूरा विंग एक आपका एल्यूमिनियम या कार्बन फाइबर से बना हुआ है, और पैराग्लाइडर का विंग बना होता है सॉफ्ट मटेरियल से। तो उसमें ये होता है कि कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि वेदर की वजह से पैराग्लाइडर का विंग कोलैप्स भी हो जाता है, जो पैराग्लाइडर का जो ऊपर का सेल है वो कोलैप्स भी हो जाता है।
तो वो उसमें एक रिस्क फैक्टर आता है। एंड सेकेंड चीज़ ये आती है कि अगर आप थोड़ा क्रैश लैंड भी करते हो इसके अंदर हैंग ग्लाइडिंग में, तो पहले ग्लाइडर टूटता है और फिर आप पे वो इम्पैक्ट आता है। और कंपैरिजन में पैराग्लाइडर में हर चीज़ सॉफ्ट होती है, तो सीधा सीधा आप पे ही सबसे पहले इफेक्ट आता है। तो इस हिसाब से सेफ्टी की चीज़ है सारी। अब पैराग्लाइडर एंड हैंग ग्लाइडर की लॉन्च स्पीड्स क्या हैं? जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हिल पे हैं तो किस किस विंड स्पीड में आपको लॉन्च करना चाहिए या कौन सा सेफ है? तो नॉर्मली हम लोग जैसे पैराग्लाइडिंग के अंदर जब स्पीड 10-12 होती है तो वो हमारे लिए हायर लिमिट में आ जाती है। 10-12-13 तो ये हायर में होती है। जो सॉफ्टर विंड्स होती हैं वो 6-7-8 के आसपास होती हैं, वो हम ठीक ठाक मानते हैं। हैंग ग्लाइडिंग में थोड़ा सा उल्टा है। हैंग ग्लाइडिंग में तो 15-18-20-25 की विंड होती है, तब हैंग ग्लाइडर तो अच्छी तरीके से टेक ऑफ होता है, बढ़िया तरीके से। एंड क्योंकि वो विंड को कट भी कर लेता है अच्छी तरीके से, एरोडायनेमिक्स भी अच्छे होते हैं। पैराग्लाइडर के कंपैरिजन में एरोडायनेमिक्स इतने अच्छे नहीं होते। तो अगर आपकी विंड ज़्यादा हो, आप ये मान लो कि आपने लॉन्च लॉन्च कर लिया, 10-12 में भी लॉन्च कर लिया, और आगे जाके विंड आपकी हेड विंड सामने से जो विंड आ रही है वो तेज़ हो जाए, वो 20-25-30-35 हो जाए, और ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कि जो ग्लाइडर की स्पीड है आपकी, उसकी जो स्पीड लिमिट है कि 30 की स्पीड लिमिट है और आपकी 35 की विंड आगे से आ रही है, तो वो बैक फ्लाइंग होनी शुरू हो जाती है। तो मतलब आप आगे नहीं जा पाते हो, आप पीछे जाते हो, तो ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है पैराग्लाइडिंग में। हैंग ग्लाइडिंग में क्या होता है कि ये क्योंकि इतने एरोडायनामिक्स इतने अच्छे होते हैं हैंग ग्लाइडर के, वो विंड को कट करता हुआ जाता है, तो कितनी भी तेज़ विंड हो उसको ज़्यादा कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। मोस्ट प्रोबली जैसे एरोप्लेन जाता है उसको आगे की विंड से कोई खास इतना मतलब नहीं होता, तो उस हिसाब से हैंग ग्लाइडिंग काफ़ी अच्छी तरीके से विंड को कट करके जाता है आगे। जो पैराग्लाइडर का मटेरियल है, जिस जिस चीज़ से पैराग्लाइडर बना होता है, वो नॉर्मली उसको रिप स्टॉप बोलते हैं, RIPSTOP। रिप स्टॉप अगर आप बाय वर्ड भी अगर आप देखोगे, रिप का मतलब है फटना एंड स्टॉप का मतलब है रुकना। तो बेसिकली इसके अंदर रीइन्फोर्समेंट्स होते हैं, बीच बीच के अंदर स्क्वायर स्क्वायर बने होते हैं, तो ये फटने से रोकता है। अगर आप ग्लाइडर कहीं से भी फट जाता है तो ये फटने से रोकता है, तो ये रिप स्टॉप मटेरियल से बना होता है। जो हैंड ग्लाइडर होता है वो एक मटेरियल आता है डैक्रॉन, DACRON। तो डैक्रॉन मटेरियल से बना होता है ये। एक ड्यू पॉइंट कंपनी है, काफ़ी फेमस है ड्यू पॉइंट, तो उस कंपनी का एक पोलिएस्टर फैब्रिक है, उससे बना होता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक्स माने जाते हैं, जो हवा में काफ़ी स्ट्रेस ले लेते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लाई करते हैं, और बहुत इनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है। एक पैराग्लाइडिंग एंड हैंग ग्लाइडिंग के बीच का भी एक स्पोर्ट है जो कि पैराग्लाइडिंग से फास्टर है एंड हैंग ग्लाइडिंग से थोड़ा सा स्लोअर है, या इक्विवेलेंट ही आप मान लो थोड़ा किसी, उसको बोलते हैं स्पीड फ्लाइंग। स्पीड फ्लाइंग वो होता है कि जिसमें कि आपके पास एक कंपैरिजन में एक ग्लाइडर होता है, पैराग्लाइडर होता है, लेकिन वो छोटे साइज का होता है, और वो काफ़ी छोटे साइज का होता है, और उसका जो स्पीड है वो बहुत हाई हो जाती है इसके रीज़न से। तो वो लोग कई लोग बहुत जो एडवेंचर फ्लाइंग एडवेंचर में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर लेते हैं, तो वो स्पीड फ्लाइंग भी करते हैं। स्पीड फ्लाइंग में बेसिकली एक हिल से बहुत स्पीड नीचे आते हैं और एक्रोबेटिक्स भी करते हैं उसके अंदर। कई वीडियोस आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी, तो काफ़ी डेंजरस सा स्पोर्ट है, लेकिन जिसको जो जिसको इंटरेस्ट है वो करता ही है। जैसे अपन कभी जब हम बाइक होती है हमारे पास और हम तेज़ चलाते हैं, हमको बड़ा मज़ा आता है, तो सेम इसमें यही है। जिसको जो एक्सेल कर लेता है पैराग्लाइडिंग में, वो स्पीड फ्लाइंग भी कभी कभी कर लेता है। हर कोई नहीं करता, बट कई लोग जो जिनको थोड़ा सा एंड्रेनलिन रश चाहिए होता है थोड़ा सा, तो वो स्पीड फ्लाइंग भी करते हैं। तो स्पीड फ्लाइंग में जो ग्लाइडर यूज़ होता है वो पैराशूट और पैराग्लाइडर के ऑलमोस्ट बीच का होता है, मतलब इन बिटवीन का डिज़ाइन होता है, और उसका मेन यही होता है कि वो डिसेंट ही करता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है, बट उसमें आप थर्मलिंग या उसमें आप वेदर को यूज़ करके आप ज़रा हाइट गेन नहीं कर सकते। वो डिसेंट ही कर रहा होता है, बट आपको स्पीड वो बहुत अच्छी देता है, और उस स्पीड को आप यूटिलाइज करके आप एक्रोबैटिक्स या जो आपको मज़ा लेना है, या आप लो फ्लाइंग करके जो आपको मज़ा लेना है वो आप ले सकते हो उसके अंदर। इंडिया में नॉर्मली अभी तक तो मैंने सुना नहीं कि यहाँ स्पीड फ्लाइंग कहीं होती है या किसी ने की भी है। तो हैंग ग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग तो हो ही रही है, बट स्पीड फ्लाइंग मेरे को भी अभी पता नहीं है कि इंडिया में कहीं भी है, कोई जगह भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि स्पीड फ्लाइंग के लिए फिर आपको जगह भी ऐसी चाहिए कि आप बीच में वायर्स वगैरह नहीं हो और ऐसी चीज़ें हैं। और हिल एरिया तो हमारा जितना भी है वो दूसरे कंट्रीज़ के बॉर्डर्स पे लगता है, उस साइड लगता है, तो मेरे को लगता नहीं यहाँ कोई जगह भी है ऐसी स्पीड फ्लाइंग के लिए।
जो स्पीड फ्लाइंग होता है उसके उसकी स्पीड रफली 40, 50, 60, 100 किलोमीटर पर आर भी चली जाती है आराम से। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये पैराग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर के बीच का एक स्पोर्ट है। और इसमें डेंजर तो सिर्फ यही है कि जो प्रॉक्सिमिटी फ्लाइंग होती है कि आप बहुत पास से, पेड़ों के पास से और अलग अलग पत्थरों के पास से जब आप कर रहे होते हो, तो उसमें अगर आपको इतना सेंस नहीं है, इतनी जल्दी आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो किसी चीज़ को, तो फिर काफ़ी डेंजरस हो सकता है। एक और आता है इसके अंदर, वैसे बहुत कम बोलते हैं इसको, एक मिनी विंग भी होता है। मिनी विंग भी इसी का ही होता है, पैराग्लाइडर का ही मिनी विंग होता है। तो कई लोगों को थोड़ी स्पीड ज़्यादा चाहिए होती तो मिनी विंग भी यूज़ करते हैं। पैराशूट में एक चीज़ और ध्यान आई है मेरे को कि जो स्काई डाइविंग जो लोग करते हैं, तो अगर आप कोई वीडियो आप अगर देखें जिसमें कि वो लोग जैसे उसमें एरोप्लेन में चढ़ रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो किसी किसी का कंटेनर आपको काफ़ी बड़ा दिखेगा, पीछे का जो बैकपैक है जिसमें पैराशूट होता है, किसी का काफ़ी बड़ा दिखेगा और किसी का छोटा भी होता है। तो जो जिनका बहुत छोटा छोटा होता है वो बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड फ्लाइट होते हैं, स्काई डाइवर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको क्या होता है कि वंस स्काई डाइव कंप्लीट कर लेते हैं वो अपनी हवा में, तो उनको ये होता है कि जल्दी से जल्दी आप नीचे आ जाएं। तो उनका पैराशूट काफ़ी छोटा होता है और वो जल्दी बहुत आसानी से वो छोटे पैराशूट में लैंड कर लेते हैं। और जो स्काई डाइविंग में जो थोड़े से लर्नर होते हैं या बिगनर होते हैं, उनका जो पैराशूट है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो वो जब नीचे आते हैं तो कंपैरेटिवली वो आराम से उनका जो पैराशूट है स्मूथली नीचे आता है और उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, तो आसानी से वो अपना फ्लेयर करके ब्रेक्स लगा के आराम से वो लैंड कर पाते हैं। तो जिनके छोटे पैराशूट होते हैं, जिनमें आप देखोगे जिनके पीछे छोटे छोटे लगे हुए हैं, तो वो ज़रा हाईली एक्सपीरियंस होते हैं। और जिनके बड़े होते हैं, एक्सेप्ट बड़े कईयों के ये भी होता है कि कहीं टैंडम करवा रहे होते हैं पायलट, तो उनके बड़े होते हैं, लेकिन अगर जो सोलो कर रहे होते हैं अगर उनके बड़े हैं, दैट मीन्स के वो बिगनर है। एक चीज़ और है कि जो पैराग्लाइडर है उसको कभी भी आप पैराशूट नहीं बोलते हो, और उसको विंग बोल सकते हैं या पैराग्लाइडर बोल सकते हैं या ग्लाइडर बोल सकते हैं उसको, लेकिन पैराशूट नहीं बोलते हैं। एंड सेम चीज़ है, पैराशूट को आप कभी ग्लाइडर या कोई दूसरी चीज़ के नाम से नहीं लेते हैं। जो पैराशूट है वो पैराशूट होता है और जो पैराग्लाइडर है वो पैराग्लाइडर होता है, या उसको विंग बोल सकते हैं या आप उसको ग्लाइडर बोल सकते हो। तो होपफुली पैराग्लाइडर, पैराशूट एंड हैंग ग्लाइडर में तीनों में आपको डिफरेंस आपको पता लग गया होगा, इसकी स्पीड और इसके बारे में, इसका मटेरियल और सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ आ गया होगा। इसके नेक्स्ट में वीडियो में मैं आप कोशिश करूंगा आपको बताने की कि पैराग्लाइडर, न्यू पैराग्लाइडर कैसे चूज़ करते हैं, सेकेंड हैंड कैसे लेते हैं, और उसके कुछ ट्रेनिंग के और चीज़ें भी आपको मैं इसके अंदर बताऊंगा, या कुछ थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस जो मेरे को हैं वो मैं बताऊंगा। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।